प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव। आप आए कृतार्थ में, पधारिए गुरुजी, पधारिए। जी तर सदा सुखी रहो, सदा सुहागिन। आयुष्मान भव। बेटा तुम्हारी पत्नी कहाँ है? यहीं गई होगी, शायद मेहमानों के साथ। आइए ना। ये निमिषा कहाँ से आ रही है नव्या के साथ? अब सबर नहीं होता हमसे, जानना ही पड़ेगा। अरे निमिषा, घर में उत्सव है, कहाँ थी तुम? वो बुआ दादी, हम दोनों एक्चुअली नव्या रानी, हम तुमसे नहीं निमिषा से पूछ रहे, कहाँ थी तुम? दादी मैं वो बाहर फोटो फ्रेम। रणबीर के साथ ना? क्या बात है सरस्वती? भाई साहब आपको एक बात बताना है, आपके जन्मदिन की भेंट लगभग तैयार है। सरस्वती थोड़ा इंतजार कर लो, उत्सव पूरा हो जाए। आयुष्मान जीते रहो, खुश रहो, जीते रहो। अच्छा शंकर दयाल जी, अब मैं चलता हूँ, सुबह प्रवचन शुरू करना है ना। गुरुजी आप आए, आपके आने से उत्सव सफल हो गया, बहुत कृतज्ञ हूँ मैं आपका। आइए। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। किस विषय में? निम्मी के बारे में। लगता है अनंत ने भी वो देख लिया है जो हमने देखा है। बाय नव्या, खाना बहुत अच्छा था। चलो बाय बाय बाय। चल यार मैं चलता हूँ, बाय। ख्याल रखना। बाय नव्या। नमस्ते। भाई साहब तो कहते हैं कि चलो सरस्वती चले जाने दो इसे भी। अभी सब कुछ अच्छी तरह हो गया और आपकी मिठाइयों ने तो समा ही बांध दिया। संजय भैया हम अकेले क्या कर सकते हैं? अगर ये सब लोग नहीं होते तो इतना सारा काम नहीं हो पाता। बिना जीजी के मदद के हम तो कुछ भी नहीं कर पाते। हाँ हाँ सब कुछ ठीक ठाक है बीता, सिवाय एक चीज के। इसीलिए हम कह रहे थे कि बाबा मैंने कहा था ना आपसे कुछ बात करनी है। जानते हैं किस विषय पर बात करनी है आपको। तुमने भी शायद वही देखा है जो हमने देखा है। हमारी तरह तुम भी चौंक गए होगे और गहरे आश्चर्य में पड़ गए होगे। क्या बात है बाबूजी, उनको बताइए ना। निमिषा